कोचिंग से घर लौट रही छात्रा पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर। रिपोर्टर अजमल शाह, बहराइच में काजीपुरा मोहल्ले में कोचिंग से पढ़कर वापस लौट रही इंटरमीडिएट की एक छात्रा पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया। सोमवार देर शाम दुलदुल हाउस के निकट हुई वारदात से हड़कंप मच गया। छात्रा का चेहरा, सीना का हिस्सा और हाथ बुरी तरह से झुलस गया है। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। युवक वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली नगर अंतर्गत मोहल्ला नाजीपुरा निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी इंटरमीडिएट की छात्रा है। वह सोमवार को कोचिंग पढ़ने के लिए मोहल्ला काजीपुरा में गई थी। देर शाम वह पैदल ही घर वापस लौट रही थी। कोतवाली नगर के ही पीपल तिराहा से दुलदुल हाउस जाने वाले रास्ते पर छात्रा पहुंची थी, तभी अचानक एक युवक ने उसे रोक लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, युवक ने हाथ में पकड़ी तेजाब से भरी बोतल उसके ऊपर फेंक दी। तेजाब छात्रा के चेहरे, सीने के हिस्से और हाथ पर पड़ा। तेजाब पड़ने से छात्रा गिरकर तड़पने और चीखने लगी। आसपास के लोग एकत्र हो गए। तब तक युवक फरार हो गया था, उसकी पहचान भी नहीं हो सकी। पिता तारिक अली ने बताया कि बेटी कोचिंग पढ़कर वापस लौट रही थी, तभी उस पर किसी ने तेजाब फेंका है। गंभीर हालत में छात्रा को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। लगभग 45% तक छात्रा झुलस गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर त्र्यंबकम नाथ दुबे और नगर कोतवाल अरुण द्विवेदी मौके पर पहुंच गए। नगर कोतवाल ने बताया कि अभी छात्रा का इलाज चल रहा है, उससे बात नहीं हो पा रही है। उसका बयान दर्ज करने के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक केस आया है अभी केमिकल बन का, जिसमें लड़की के ऊपर हमला किया गया है केमिकल के थ्रू, और प्राइमरी टू सेकेंडरी पार्शियल डिग्री बर्न है उसको। चेहरे का कुछ हिस्सा जला है और दाहिना हाथ। अब इसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। पहुंची एक उम्रा फातिमा नाम की बच्ची है, जो कि पायनियर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा है, जो कोचिंग से लौट रही थी, और उसके ऊपर किसी लड़के ने उसके अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने कोई ज्वलन सिंह पदार्थ उसके हाथ में था, पन्नी में, और उसने उसके ऊपर फेंक दिया। अभी CCTV फुटेज हम लोगों को देख रहे थे, जिसमें उसका चेहरा आ रहा है कुछ अस्पष्ट था। लड़की से पूछने पे उसने जो बताया है कि थोड़ा उसकी उम्र ज़्यादा है और कुछ नशेड़ी टाइप का लग रहा था, और CCTV फुटेज के जो एविडेंसेज हैं उसके आधार पे हम लोगों ने टीमें तैयार कर ली हैं और इस पर कार्रवाई हो रही। अतिशीघ्र अपराधी को जेल के सीखों के भीतर पहुँचाया जाएगा। इससे डर का विषय है और इसमें NSA की कार्रवाई से कम कार्रवाई नहीं होगी, और अतिशीघ्र अपराधी को पकड़ करके हम लोग उसके ऊपर NSA लगाएंगे।